जो एग्ज़ाम्स है ना सोच जीतने की, इंग्लिश वोकेबलरी का, ये पार्ट 10 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का, जो कि बेस्ड है WBCS प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 का जो रिसेंट में हुआ। आज का ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो विश कर रहे हैं, जो एम कर रहे हैं WBCS एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। सो देखते हैं ये 6 वर्ड्स जो पूछे गए हैं रिसेंटली WBCS एग्जामिनेशन में। पहला वर्ड जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस रिलीजन एटसेट्रा। किसी खास, किसी विशेष प्रजाति या धर्म आदि के लोगों की सामूहिक हत्या कर देना, उनको एक साथ मार देना है, एक पूरी जमात को पूरे सामूहिक तौर पर किसी का नरसंहार करना, यह है जेनोसाइड। उर्दू में नस्ल कशी भी कहते हैं इसको। आइए देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में मैसेकर, होलोकॉस्ट, रेशियल किलिंग, डेसिमेशन, मास मर्डर, ये सारे वर्ड्स हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में सकर। सकर बेसिकली इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड एड, स्पेशली मिलिट्री एड, किसी को प्रोटेक्शन देना, मिलिट्री प्रोटेक्शन देना, तो इसको जेनोसाइड के ऑपोजिट में माना गया है। बर्थ, पीस और टॉलरेशन को भी जेनोसाइड के एंटोनिम्स में रखा गया है। जेनोसाइड एक ऐसा रेयर वर्ड है जिसका एंटोनिम बहुत डिबेटेबल है, स्टिल ये चारों वर्ड्स को आप एंटोनिम्स के रूप में याद कर सकते हैं। और देखते हैं सेंटेंस। ड्यूरिंग द 1994 जेनोसाइड एक्सट्रीमिस्ट हुटूस मैसेकर्ड माइनॉरिटी टुट्सीज एंड मॉडरेट हुटूस। 1994 के नरसंहार में जो एक्सट्रीमिस्ट थे कट्टरपंथ हुटूस, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने नरसंहार किया माइनॉरिटी का वहाँ की, जिनको टुट्सीज कहा जाता है, और जो वहाँ के मॉडरेट, जो लिबरल, जो हुटूस थे, उनको भी उन लोगों ने मार दिया साथ में। तो ये था जेनोसाइड। दूसरा वर्ड है इम्पैशन्ड। इम्पैशन्ड का मतलब होता है जज्बात से भरा हुआ, जोशीला, तीव्र भावना या जोश से भरा हुआ, फिल्ड विथ इंटेंस इमोशन और पैशन, एकदम पैशनेट जो। देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में पहला ही वर्ड है पैशनेट, दूसरा है आर्डेंट। आर्डेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में। तो फर्वेंट जो तीसरा वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इम्पैशन का। फर्विड, परफर्विड, वेहिमेंट, टॉरिड, दिस आर ऑल एंड सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इम्पैशन्ड। सबका मीनिंग यही है, जोशीला, जज्बात से भरा हुआ। एंटोनिम्स में डिसपैशनेट, इमोशनलेस, इम्पैसिव, अनइमोशनल, ये सारे ठीक उसके उलट हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। शी मेड एन इम्पैशन्ड प्ले फॉर हेल्प। उसने बहुत शदीद जज्बात से, जज्बाती होकर मदद की गुहार लगाई, मदद के लिए पुकारा। आइए देखते हैं तीसरा वर्ड क्लाइमैक्टिक, समथिंग दैट इज फाइनल, कंक्लूडिंग, कल्मिनेटिंग, कुछ ऐसा जो कि एकदम क्लाइमैक्स का हो, आखिरी का, समापक, अंतिम, अख्तिताम का। सिनोनिम्स में देखते हैं, पहला ही वर्ड है कल्मिनेटिंग, फाइनल, एंडिंग, फिनिशिंग, क्लोजिंग, कंक्लूडिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स में हैं, यानी कि आखिर का, ख़त्म का, लास्ट पार्ट किसी चीज़ का, लास्ट का। एंटोनिम्स में एंटी क्लाइमैक्टिक, बाथेटिक, इनकॉन्सिक्वेंशल, इनडिसिसिव, दिस आर ऑल एंटोनिम्स फॉर द वर्ड क्लाइमैक्टिक। नाउ वी शैल सी द सेंटेंस। द आइडेंटिटी ऑफ द किलर इज रिवील्ड। किलर की पहचान जाहिर हो गई इन द मूवीज क्लाइमैक्टिक पार्ट, मूवी के आखिर के पार्ट में। आइए देखते हैं चौथा वर्ड एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब है मिलता जुलता, समथिंग दैट इज सिमिलर इन सम वे टू अदर थिंग एंड दैट यू कैन कंपेयर,
इसको जिसकी तुलना की जा सके, एक चीज़ की दूसरी चीज़ से अगर तुलना की जा सके तो वो एनालॉगस है। एनालॉगस का मतलब ही है सिमिलर, कंपेरेबल। आइए देखते हैं सिनोनिम्स। कंपेरेबल, पैरेलल, सिमिलर, रिलेटेड, अलाइक, कॉग्नेट, सिमेट्रिकल, किंड्रिड, कॉग्नेट, डिट्टो। ये सारे वर्ड्स, इसका सबका मीनिंग एक जैसा होना या किसी तरह से क्वालिटी में या मिलता जुलता। आइए देखते हैं एंटोनिम्स। इनकम्पेरेबल, डिफरेंट, डिससिमिलर, डाइवर्स, अनलाइक, डिस्पैरेट, डिस्टिंक्ट। ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। सबका मीनिंग है डिफरेंट। जहाँ बात हो रही थी मिलता जुलता की, यहाँ पर एकदम डिफरेंट, ऑपोजिट। अब देखते हैं सेंटेंस। Because my teacher is analogous to my mother, because मेरी टीचर मेरे मदर जैसी लगती है या सिमिलर है, मिलती जुलती है, आई हैव एक्सीडेंटली कॉल हर, मैंने कह दिया उनको मॉम। तो ये था एनालिगस, मिलता जुलता। आइए देखते हैं पांचवा वर्ड, एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब है, इसके दो मीनिंग हैं। एक तो है किसी भी काम या किसी एक्शन को शुरू करना, किसी एक्टिविटी को, और दूसरा है जहाज़ पर सवार होना, पानी वाली जहाज़ पर, शिप पर, बोट पर। तो आइए देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में पहला वर्ड जो है, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कमेंस, अंडरटेक, और उसके बाद एक फ्रेजल वर्ब है एंटर अपॉन या एंटर अपॉन। आइए देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसी पर बना डिसएम्बार्क, ठीक इसका ऑपोजिट, एक प्रीफिक्स लगाकर डिसएम्बार्क, स्टेप ऑफ, लीव, कंक्लूड एंड फिनिश, टर्मिनेट। जहाँ बात हो रही थी कुछ शुरू करने की, तो यहाँ पर ख़त्म होने की बात। देखते हैं सेंटेंस, ही इज़ अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ न्यू बिजनेस वेंचर। वो एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है। आज का आखिरी वर्ड है लेचरस। लेचरस का मतलब है अत्याधिक यौन इच्छा रखने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु हैज़ एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर, जो बहुत ज़्यादा शदीद जिनसी ख्वाहिशात रखता है, सेक्सुअल डिज़ायर रखता है, उसको लेचरस कहते हैं। आइए देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में लस्टफुल, रैंडी, परवर्टेड, परवर्ट भी बोल सकते हैं, लाइसेंशियस, सलेशियस, लैसिवियस, ल्यूड, लिबिडिनस, वांटन। दिस आर ऑल सिनोनिम्स फॉर द वर्ड लेशरस। अब देखते हैं एंटोनिम्स। फ्रिजिड, सेलिबेट, चेस्ट, वर्जिन, प्योर। इस सब का मीनिंग होता है, फ्रिजिड, सेलिब्रेट और चेस्ट और वर्जिन प्योर का मतलब ही ऐसा व्यक्ति जिसने या तो कभी उसको इच्छा ही नहीं हुई या कभी उसने किया ही नहीं। जैसे कि फ्रिजिड, चेस्ट, चेस्ट का मतलब, चेस्ट और वर्जिन जो है वो दोनों एक सिनोनिम है, और सेलिब्रेट और फ्रिजिड का भी मतलब सेनियर है, यानी कि जिसने कभी सेक्सुअल रिलेशन ये बनाया नहीं हो या सेक्सुअल डिजायर उसके अंदर ना हो, जो प्योर हो। ये थे इसके एंटोनिम्स। आइए देखते हैं सेंटेंस। ही वॉज सो रैंडी एंड सो लिचरस। वो इतना ज़्यादा जिनसी ख्वाहिशात रखने वाला है, इतना ज़्यादा यौन इच्छा उसके अंदर है, दैट नथिंग कुड मेक हिम कंटेंटेड, कि कुछ भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। तो ये थे आज के हमारे 6 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। प्लीज़ गाइज, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।